साथियों, ये है घटना चक्र दृष्टि का एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज। आपका जो एग्जाम होने वाला है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024, उसी के लिए साथियों हमने घटना चक्र की एक बहुत ही बेहतरीन आपके एग्जाम यूपी पीसीएस के लिए ये सामान्य अध्ययन की एक टेस्ट सीरीज लाए हैं। साथियों, सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए साथियों, घटना चक्र ये टेस्ट सीरीज होती है, प्रैक्टिस सेट होता है, एकदम विश्वसनीय और भरोसेमंद संस्था है। आप लोगों को मालूम होगा कि ये इसमें जितने भी प्रश्न है, यानी 150 प्रश्नों की हमारी टेस्ट सीरीज है, और 150 जो प्रश्न बनाए गए हैं आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है, यानी पिछले 10-15 साल में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और इस साल किस टाइप के प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो ये, यानी जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसको ध्यान में रखा गया है, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, इस वर्ष यानी इस समय जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन पूछने का, जो करंट के मुद्दे होते हैं, करंट के सवाल तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन करंट के मुद्दों से जोड़कर जो GS में सवाल बनाया जाता है, तो उसको जो है यानी वो करंट से जोड़कर जो GS इस साल बनाए गए हैं वैसे प्रश्नों को रखा गया है। तो आप 150 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको करंट मुद्दे से जो प्रश्न बन सकते हैं वो मिल जाएंगे, या जो कोर प्रश्न है जो हर साल पूछे जाने की संभावना रहती है वो मिल जाएंगे। तो साथियों, ये चौथी प्रैक्टिस सेट है हमारी घटना चक्र की। इसके पहले हम लोग घटना चक्र की 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और हम लोग चौथी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, और चौथी प्रैक्टिस सेट में साथियों 150 प्रश्नों की हमारी टेस्ट सीरीज है, और 150 प्रश्नों में हम लोग 70 क्वेश्चन को कर लिए थे, और हम लोग चौथी प्रैक्टिस सेट का अब 70 क्वेश्चन के बाद यानी इसको पूरा करने जा रहे हैं, जो हम लोग की पूरा नहीं हो पाई थी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से देखते हैं 150 तक हमारा क्या है। बहुत बेहतरीन होगा साथियों, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, एक से बढ़कर एक आपको फैक्ट मिलेंगे, एक से बढ़कर एक कंसेप्ट मिलेंगे, बहुत सारी चीजों को आप यहाँ सीखेंगे वीडियो को अगर पूरा देखें, क्योंकि बहुत ही भरोसेमंद टेस्ट सीरीज होती है साथियों। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्लीज अपने आप को यहाँ भापिए नापिए कि हम कितने पानी में हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से देखा करिए हम इसको कर ले रहे हैं कि नहीं। कर ले रहे हैं तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइए और उसके बाद जो है अपना समय बचा लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे तो वहां रुकिए, वहां चीजों को समझिए। तो साथियों, अगर आपको PDF भी चाहिए, इसका PDF अगर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम को, वहां पर लिंक पर मैसेज कर देंगे, हाँ सर PDF चाहिए, तो PDF आपको एंसर की सहित मिल जाएगा। तो चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 बहुत बेहतरीन साथियों चलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं साथियों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी, उस व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। तो साथियों जान लीजिए आप लोग, द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव के, ऑप्शन नंबर बी कब हुआ था साथियों, यह 1765 में, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में यह बंगाल में द्वैत शासन हुआ था, और ये जो वारेन हेस्टिंग्स है हमारे भाई, इसके शासनकाल में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसके 7 साल बाद यानी 1772 में ये द्वैत शासन को समाप्त किया था। तो लागू हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में और समाप्त हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। बहुत बढ़िया साथियों, हम लोग चलते हैं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 72 में क्या कह रहा है साथियों, देखें 72 में, देखें हमारा मैचिंग वाला सवाल है। बहुत बढ़िया होते हैं मैचिंग वाले सवाल साथियों, ये गलत नहीं होते। हम लोग को सूचनाएं कम हो, जानकारी कम होती है, फिर भी हम लोग उत्तर को निकाल लेते हैं। देखें, एक तरफ हमें दिया है समाचार पत्र दिया है, और दूसरी तरफ दिया है भाषा। कौन सा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है उसी को मिलाकर अपना क्वेश्चन ऑप्शन में सेट जो बन रहा है उसी को मिला दीजिए। तो देखते हैं, भारत मित्र, भारत मित्र हिंदी जैसा आपको लग ही रहा है, मित्र हिंदी शब्द है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक इसे जोड़ लीजिएगा, ये भारत मित्र हिंदी है। राष्ट्रमत, ये मराठी है, ये मराठी पे जाएगा। और नायक, नायक जो है ये बंगाल में, और मोदी जी कहते हैं हम प्रजा के मित्र हैं, तो गुजराती हैं मोदी जी, ऐसे जोड़ लीजिएगा। प्रजा मित्र क्या है, यह गुजराती। तो यहाँ पर आपका आप कौन सा सेट बन रहा है, A3 पर आना चाहिए, D1 पर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर C हमारा यही सेट बन रहा है, यही उत्तर होगा हमारा 72 का C। बहुत बढ़िया, आगे चलते हम लोग देखते हैं 73। 73 भी मैचिंग वाला सवाल है साथियों। आजकल RO ARO UPPCS या BPSC में क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं ज्यादातर जो है कथन कारण और मैचिंग वाले,
तो इस प्रश्न को ट्रेंड चल रहा है ऐसे टाइप के प्रश्न को पूछने का। तो देखें हम लोग साथियों, बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। देखें, एक तरफ सूची दिया है संस्थाओं की, एक तरफ संस्थाओं की सूची है और दूसरी सूची में है उस संस्था के किसने, कौन से व्यक्ति उस संस्था से संबंधित हैं। तो सीधी सी बात साथियों, BHU जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसको किसने बनवाया था? मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। आप लोग देखेंगे BHU के गेट पर मदन मोहन मालवीय की ही मूर्ति लगी है। और जो बनारस संस्कृत कॉलेज है, जोनानाथ डंकन इसे संबंधित हैं, और हिंदू कॉलेज ये राजा राम मोहन राय, और कलकत्ता मदरसा वारेन हेक्सटिंग। तो A 2 पर आएगा, B 4 पर आएगा, A 2 पर, B 4 पर, C 1 पर, D 3 पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर C बन रहा है, यही वाला, डी वाला, 3 पर सही है। तो हमारा 73 का हो गया, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं 74 में क्या कह रहा है। 74 में साथियों, एक भी प्रश्न आप लोग न छोड़िएगा, बहुत बेहतरीन होगा साथियों, बहुत बेहतरीन कंटेंट है ये। देखते हैं 74 में, कौन सा असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो साथियों, असहयोग आंदोलन से संबंधित कौन सा विकल्प हमारा सही नहीं है? नहीं जो है उसी को बताना, यानी कौन सा विकल्प गलत है हमारा असहयोग आंदोलन के समय। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों, ये असहयोग आंदोलन की जो अवधि थी 1920 से 1922 तक चला था, सभी को मालूम है। और इसका जो उद्देश्य था कि एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना था, और इसमें बहिष्कार की योजना थी, अंग्रेजी सामान की, अंग्रेजी संस्थाओं की बहिष्कार की योजना थी। और इसमें जो ये तीनों तो सही हैं, लेकिन हमसे गलत पूछा है ये, जो ये तीनों सही हैं, तो डी वाला ही गलत होगा, यही डी है और यही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि जिन्ना ने मेरे भाई असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, समर्थन नहीं किया था, तो यहाँ पर लिखा है समर्थन किया था। तो साथियों, समर्थन नहीं किया था, विरोध किया था जिन्ना ने, तो याद रखिएगा। अगर आपको केवल इतना ही याद रहता कि हाँ जिन्ना ने जो है असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, तो सीधी सी बात है यहाँ समर्थन दे दिया तो ये गलत हो जाता, आपको ये तीनों ऊपर का नहीं आता रहता, फिर भी आप कर ले जाते। यही को एलिमिनेशन आप लोग जरूर लगाया करिए, एलिमिनेशन से जानकारी कम रहेगी, फिर भी आप उत्तर को निकाल लेंगे। तो देखें साथियों, हम लोग 75 में, बहुत बढ़िया, ये 75 में आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है, उसी गलत को पकड़ना है साथियों। तो देखें हमें क्या करना है, गलत वाला जो होगा उसी पकड़ना है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले सबसे पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे, बिल्कुल सही जवाब साथियों, इसीलिए इनको भारत जो है अग्रदूत कहा जाता है, बहुत मतलब बहुत सारे टाइटल से जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी, मद्रास महाजन सभा MMS की स्थापना 1884 में, ये भी बात सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1878 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, साथियों ये गलत है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की ये बात सही है, लेकिन 1876 में किया था, कब? 1876 में, इसमें 78 दे दिया, ये गलत हो गया। तो यही हमारा उत्तर होगा, विकल्प सी हमारा उत्तर होगा हुआ। और ये तो जानते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में हुई थी, और आप लोग कमेंट बताइए किसके द्वारा हुई थी, ये चीज कमेंट में बताइए आप। तो आगे चले हम लोग जो है 76 में, देखते हैं क्या है साथियों। देखें 76 में आपसे एक फैक्ट है, बहुत बेहतरीन पूछ रहा है, कह रहा है कि किस महिला क्रांतिकारी ने एक जिला अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो उस महिला का नाम बताना है साथियों, दो महिलाएं थी, एक सुनीति चौधरी, एक ये है, यही आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुनीति चौधरी थी, और इनके साथ एक और थी, घोष करके नाम था, शांति घोष, शांति घोष थी। ये दोनों ने एक जो है जिला अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी, शांति घोष इसमें नहीं है, सुनीति चौधरी है, तो आप यही लगा दीजिए, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग 77 देखते हैं। देखें इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, चार विकल्प हैं और विकल्पों में से एक गलत है, मिस मैच है, उसी मिस मैच को पकड़ना है, उसी जो सुमेलित नहीं है उसी को पकड़ना है। तो साथियों बहुत बेहतरीन, आप लोग को मालूम होगा फार्मिकम्ल
चींटी होती हैं, बर्रे होती हैं, मधुमक्खियां जो होती हैं, जो हमें काटती हैं, हमारा शरीर में सूजन आ जाता है जहां पर काटती हैं, तो उसमें फार्मिक एसिड होता है। ये बात सही है, लेकिन हमें गलत को पकड़ना है। तो एसिटिक अम्ल, साथियों आप लोगों को मालूम है एसिटिक अम्ल जो होता है कच्चे आम में नहीं, ये सिरका में होता है, तो यहाँ पर सिरका होना चाहिए साथियों, एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, ये चीज याद रखिएगा, सिरका में। और बाकी ये तो मालूम है टार्टरिक अम्ल जो होता है अंगूर में होता है, साइट्रिक अम्ल जो होता है नींबू फलों में होता है, नींबू कुल के पौधों में जैसे नींबू संतरा मौसमी, इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा गलत क्या हुआ साथियों, गलत हमसे पूछ रहा है, तो गलत बी है, बी ही उत्तर होगा, एसिटिक अम्ल जो है कच्चे आम में नहीं बल्कि सिरका में पाया जाता है। आगे बढ़े हम लोग साथियों, 78 में देखते हैं क्या हमें कह रहा है, इसमें भी कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है उसी को पकड़ना है। यहाँ पर जरूर ध्यान दिया करिए, ऐसे बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं मेरे भाई, लोग आता हुआ प्रश्न गलत कर देते हैं, जहां भी नहीं मिले उसे तुरंत मार्किंग कर लीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारा, पहला है, हमें पहला क्या कह रहा है, ये लैरी कॉलिंग्स एंड ये डोमिनिक लेपियर, इन्होंने एक बुक लिखी थी फ्रीडम एंड मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट। तो ये सही है कि नहीं सही है, मान लीजिए हमें ये नहीं आता है, आगे बढ़ते हैं, दुर्गा दास इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, यस ये बात सही है, लेकिन हमें गलत को पकड़ना है। गलत साथियों, यहाँ पर जो लिखा है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये बात जो है साथियों के अजीज ने नहीं लिखी है, ये एक व्यक्ति थे डॉक्टर रफीक जाकरिया, जकारिया, जकारिया टाइटल था, रफीक जकारिया नाम था, वो उन्होंने लिखे हैं, अजीज ने नहीं लिखा है। तो ये बात यहाँ पर हो गई, तो यही गलत है, ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा, क्योंकि अजीज ने नहीं बल्कि डॉक्टर रफीक जकारिया ने लिखा है। क्या लिखा है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, अगर केवल रहता इंडिया डिवाइडेड, तो वो इंडिया डिवाइडेड अगर केवल रहता तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। तो ये बात सही है, आप लोग डी वाला तो जानते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा है, तो सब सही है, सी वाला यहाँ पर गलत था। आगे देखें हम लोग 79 में साथियों क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया सवाल, कंसेप्चुअल टाइप का सवाल है, तो थोड़ा सा हम लोग सेट करते हैं पहले, अब सही है। तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रधान यामोत्तर रेखा जो गुजरती है, तो प्रधान यामोत्तर रेखा प्राइम मेरिडियन लाइन जो गुजरती है वो कहाँ से गुजरती है, कुछ स्थानों के नाम दिया है। तो आप लोग को मालूम है ये अटलांटिक महासागर से और यूरोप के जो तीन देश होते हैं फ्रांस, यूके और स्पेन से होते हुए और अफ्रीका के कई देशों से गुजर कर जाती है। तो यहाँ पर साथियों ये जो दिया है पुर्तगाल से तो नहीं गुजरते, पुर्तगाल तो एकदम किनारे पर है, तो ये गलत हो जाएगा सीधी बात, क्योंकि यूरोप के तीन देश फ्रांस स्पेन यूके से गुजरती है केवल, तो फ्रांस है, यानी विकल्प में दो रहना चाहिए, चार नहीं रहना चाहिए, एलिमिनेशन लगाइए आप, तो चार नहीं रहना चाहिए, तो सीधी सी बात ये नहीं होगा, और दो रहना चाहिए, दो हमें क्लियर है, तो जिसमें दो नहीं होगा वो गलत, इसमें दो नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी इन्हीं दोनों में से होगा। तो यहाँ पर अल्जीरिया है, नाइजीरिया नहीं, कौन कौन से देश है साथियों, यह जो है अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना, टोंगो, माली, ये सब है, लेकिन ये आपको नाइजीरिया नहीं मिलेगा, तो नाइजीरिया यानी तीन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब यही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यही वाला, बहुत बढ़िया। आगे चले हम लोग, ऐसे आप लोग एलिमिनेशन लगा देंगे तो आपको आपकी जो है मेहनत कम हो जाएगी, कम नॉलेज में भी उत्तर को निकाल लेंगे। 80 में देखें क्या है हमारा, इसमें कह रहा है कि वर्ष 2023 में हुई प्रमुख नियुक्तियों के संदर्भ में गलत युग्म, जो 2023 में नियुक्तियां हुई हैं उसके संदर्भ में गलत युग्म का पहचान करना है। तो साथियों बहुत बढ़िया, एक चीज यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसमें कह रहा है कि इसके भारत के प्रतिनिधि के बी सुब्रमण्यन हुए हैं, तो साथियों ये सीधा गलत कह रहा है, यह अंशुमाली रस्तोगी हुए हैं, सुब्रमण्यम नहीं, तो यहाँ पर एक टाइटल रखिए अंशुमाली ए रस्तोगी, ए से अंशुमाली और रस्तोगी, तो याद रखिएगा इन चीजों को, यही गलत है। तो यही गलत है और बाकी सब सही है, सबको पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको फैक्ट के रूप में याद हो जाएगा, UNHRC में विशेष दूत के रूप में नियुक्त तो होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला अश्विनी केपी, ये सब चीजों को याद रखिए, यहाँ सुब्रमण्यम की जगह रस्तोगी होगा।
आगे चले हम लोग देखें 81 में। साथियों देखते हैं 81 में हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो बहुलक दो होते हैं, कृत्रिम बहुलक एक प्राकृतिक बहुलक। कृत्रिम बहुलक में साथियों जो होता है जैसे स्टार्च, सेलुलोज और प्राकृतिक रबड़, ये सब हमें जो होते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। और जैसे टेफ्लान ये सब जो होते हैं ये कृत्रिम है। तो यहाँ पर साथियों प्राकृतिक हमसे पूछा है, तो सेलुलोज, सेलुलोज हमारा प्राकृतिक बहुलक हो गया। बाकी टेफ्लान, बैकेलाइट, टेरिलीन ये सब कृत्रिम बहुलक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, आगे देखें। देखें 82 में क्या कह रहा है हमसे, उत्तर प्रदेश के जनपदों और उसके मुख्यालयों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का एक तरफ जिला दिया है, दूसरी तरफ उसका मुख्यालय कौन सा मिस मैच है उसे बताइए। देखिए कुशीनगर जो है उसका मुख्यालय पडरौना है। सही सही है ये ऑप्शन नंबर ए तो सही, लेकिन हमें गलत को पकड़ना है। संत कबीर नगर का दिया है अमरोहा। तो मेरे भाई अमरोहा जिला का मुख्यालय अमरोहा ही होता है, और संत कबीर नगर का अमरोहा नहीं होगा। संत कबीर नगर साथियों खलीलाबाद होता है। क्या? खलीलाबाद, तो मैं केवल खलीला लिखा हूं तो याद रखिएगा। और अमरोहा जो है अमरोहा का होता है। तो फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, ये सब सही हैं। गलत यही था बी वाला, संत कबीर नगर का अमरोहा नहीं बल्कि खलीलाबाद होगा। आगे देखते हैं 83 में हमारा क्या है, निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः यूएसए में स्थित है। यूएसए, यूएसए मतलब समझ रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी वो जो बाइडेन और वो ट्रंप वाला जो है वहां की बात कर रहा है। तो आप लोगों को मालूम होगा यूएसए और कनाडा, कनाडा में मिलाकर 5 झीलें हैं। तो उन 5 झीलों को महान झीलें कहा जाता है, ग्रेट लेक्स कहा जाता है। वो 5 झीलें कौन कौन है, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, सुपीरियर झील, एरी झील, और 5वीं है ओंटोरियो झील। ओंटोरियो झील, तो इन 5ों झीलों को महान झीलें कहा जाता है। और उन 5 झीलों में से केवल मिशिगन एक ऐसी झील है जो पूर्ण रूप से यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और बाकी ये जो 4ों हैं वो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है, यानी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर। तो आपसे पूछा है कौन सा यूएसए में स्थित है, तो मिशिगन ऑप्शन नंबर ए। आगे चले हम लोग 84 में देखते हैं साथियों, बहुत बढ़िया, कह रहा है धातु किन धातुओं में विद्युत चालकता का सही क्रम बताना है। विद्युत चालकता का, इलेक्ट्रिसिटी का बताना है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का सही क्रम बताना है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है, फिर कहाँ है, फिर कहाँ है। आप लोग को मालूम होगा चांदी, चांदी की इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा होती है, विद्युत चालकता सबसे ज्यादा होती है। तो चांदी कहाँ सबसे ज्यादा है, यहाँ है, यहाँ है। तो बाकी अब इन तीन, इन दोनों को काट दीजिए, ये दोनों तो नहीं होंगे, सीधी बात। अब इन्हीं दोनों में से कौन होगा, सबसे ज्यादा चांदी होता है, लेकिन चांदी महंगे की वजह से हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आप लोग देखते होंगे भारी डिमांड रहती है कापर की, हमारा पंखा का बाइंडिंग कापर कीजिए, तार कापर का लाइए, कापर यानी तांबा, तो ये तांबा दूसरे नंबर पर होगा, उसके बाद एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ जाए हम लोग 85 में, तो देखें इसमें क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को आगे बढ़ाया। तो साथियों 104 संविधान संशोधन 2019 में मोदी जी की सरकार में ये किया गया कि जो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में एससी एसटी का जो आरक्षण था उसको 10 साल के लिए बढ़ाया गया था। और एंग्लो इंडियन का जो 2 मतलब नियुक्त होते थे उसको खत्म किया गया। तो ये ऐसा 104 संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से हुआ था। तो आगे बढ़े हम लोग अब 86 देखते हैं, 86। तो जहां पर जरूरी रहेगा हम लोग बात जरूर करेंगे, और जहां पर फैक्ट रहेगा तो वहां पर हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि उतना आप जानते होंगे। तो देखें कह रहा है एक सही सुमेलित है, गलत नहीं पूछ रहा है आपको, 4 में से 1 सही है, 3 गलत है, उसी सही को पकड़ना है। तो लॉरेन औद्योगिक प्रदेश साथियों ये कहाँ है, यह इटली में नहीं फ्रांस में है, फ्रांस में। एक लॉरेन बिश्नोई हमारे यहाँ एक गैंगस्टर भी है जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाया था, तो
आप लोग जानते होंगे उसके बारे में। तो लारेन औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? ये फ्रांस में है। रूर औद्योगिक प्रदेश इटली, ये जर्मनी में है। हाँ ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यही सही होगा हमारा। हम लोग को मालूम है रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है। और ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश कहाँ है साथियों? यह ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश यूके में है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस में नहीं है, तो ये यूके में होगा। और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम में नहीं, यह बल्कि जर्मनी में है, तो यहाँ ये भी जर्मनी में है। तो याद रखिएगा, सब मैंने बता दिया, तो केवल बी सही है, बाकी सब गलत थे। क्यों गलत थे वो भी मैंने लिख दिया। आगे देखें 87 में क्या कह रहा है साथियों। बहुत बढ़िया, देखते हैं, मैचिंग वाले सवाल है, बहुत बेहतरीन होंगे, इसमें आप कई सारी चीजें आप खुद सीखेंगे। तो देखें क्या कह रहा है यहाँ पर। एक तरफ साथियों यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर दें, आप तो लोग जान ही गए हैं, हाँ इसमें कोई दम नहीं है। देखते हैं, एक तरफ राज्य दिया है और दूसरी तरफ राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व। किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं यही मिला देना है हमें। तो आप लोग जानते हैं साथियों कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। इन तीन ऐसे राज्य हैं जहां पर राज्यसभा सीटें बराबर है, यानी 11-11 सीटें हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश है, तो साथियों यहाँ 11 हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा की सीटें। और आप लोग जानते हैं पंजाब में 7 राज्यसभा की सीटें हैं, और पश्चिम बंगाल में आप लोग जानते ही हैं 16 सीटें हैं, ममता जी के यहाँ 16 सीटें, और तमिलनाडु में 18 सीटें। तो इस हिसाब से हमारा कौन, एक ए पर आएगा, बी 3 पर आएगा, सी 2 पर आएगा, तो हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी ये उत्तर होगा। एक ए पर, बी 3 पर और डी 4 पर, सही है। आगे चले हम लोग, अब 88 में देखते हैं साथियों। तो 88 में देखें क्या कह रहा है आपसे। पंचायती राज से संबंधित सवाल है, बहुत सरल है साथियों, इसका आप एक छोटा सा ट्रिक रखा है, याद कर लीजिए आ जाएगा। तो ट्रिक क्या होता है, बरस, BRS, यही रखेंगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले बी आता है, आप लोग ऐसे ABCD पढ़ेंगे, सबसे पहले बी आएगा, फिर उसके बाद आर आएगा, फिर उसके बाद एस आएगा, ऐसे ऐसे भी ट्रिक याद हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। तो पंचायती राज समितियां जो बनाई गई हैं, सबसे पहले कौन बनाएगी, उसके बाद कौन बनाएगी, उसके बाद कौन बनाएगी। तो मैंने पहले बताया बी पहले होना चाहिए, यानी बलवंत राय मेहता समिति, तो ये 3 पहले नंबर पर होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ 3 पहले नंबर पर है, केवल यहाँ है और यहाँ है, ए बी में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये खत्म कर दीजिए, तो पहले गायब कर दीजिए, इनको आंखों के सामने से हटा दीजिए, बाकी 2 बचे हैं हमारे पास। और दूसरे नंबर पर हमें आर आना चाहिए, राव, तो कहाँ है राव, हनुमंत राव, तो ये आला आ जाएगा। तो दूसरे नंबर पर हमारा चौथा रहना चाहिए, तो दूसरे नंबर पर दोनों में चौथा है। और तीसरे नंबर पर यस रहना चाहिए, यस का मतलब साथियों यहाँ पर क्या है, सिंघवी समिति, तो यहाँ पर सिंघवी क्या है, यस हो जाएगा, तो यानी कौन हो जाएगा हमारा, पहला होना चाहिए, तो ये बी वाला होगा सही उत्तर, यानी सबसे पहले 3-2-1, 3-4-1-2, ये वाला हमारा सही उत्तर होगा। अंत में हमारा कौन सा होगा, थुंगन समिति, ये सबसे लास्ट में होगा। तो इसी तरह से एलिमिनेट कर दिया करिए आप लोग भी। 89 में देखते हैं, देखें 89 में हमसे क्या कह रहा है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो आप लोग को मालूम होगा साथियों, रेडियो तरंगे जो विक्षेपित की जाती है वायुमंडल के आयन स्फीयर में की जाती है, आयन मंडल में, आयनो स्फीयर में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ये बी हो जाएगा। अक्षोभ मंडल के बारे में जाते हैं, सभी मौसमी घटनाएं, कोहरा, पाला, ओस, जितनी भी मौसमी घटनाएं घटती हैं इन्हीं बढ़ती यही में घटती हैं, इसलिए क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहा जाता है। और ये समताप मंडल को जानते हैं आप लोग, हेलीकॉप्टर उड़ाना समताप मंडल में सबसे मतलब अच्छा माना जाता है, यहाँ पर जो है आपको ओजोन की लेयर पाई जाती है। तो ये सब याद होगा, हम मैंने जानकारी के लिए बता दिया, फिलहाल उत्तर इसका डी होगा। आगे चले हम लोग, देखें 90 में हम लोग देखते हैं साथियों, पॉलिटी का सवाल है, बढ़िया सवाल है हमारा। संवैधानिक प्रावधान एक तरफ है, दूसरा तरफ स्रोत है,
कौन सा संवैधानिक प्रावधान कहाँ से लिया गया है इसको बताना है। तो साथियों, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, जो नहीं है उसे बताना है जो गलत है। तो साथियों, न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये बात तो सही है, लेकिन हमें गलत को पकड़ना है। राज्यों की संघ की संकल्पना, तो यानी एक संघ की संकल्पना है जो फेडरल की जो बात कर रहा है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका यानी यह कनाडा से लिया गया है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका मतलब आप ये समझ लीजिए कनाडा, तो ये भी बातें सही हैं। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई हैं, ये भी सही है। गलत ये तीनों सही है साथियों, जब तो चौथा ही गलत होगा, क्योंकि चौथा ही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि हमें ये तीनों सही है तो चौथा गलत होगा, तो यही हमारा उत्तर है। तो जान लीजिए चौथा क्यों गलत हुआ, मौलिक कर्तव्य साथियों हमारा जापान से नहीं लिया गया है, जबकि पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। कहाँ से? सोवियत संघ। तो आप लोग सोच रहे होंगे सोवियत संघ क्या है, आज का जो रूस है, और इससे पहले कई सारे देश इसमें अलग थे, जो यूक्रेन है ऐसे और कई से, तो वो सब जब एक थे रूस के साथ, तब तो इसको सोवियत संघ बोला जाता था। जब सब अलग हो गए तो आज ये रूस है, यानी दिमाग में रखिएगा आज के ये जो रूस है, तो यही एक तरह का मतलब यहां से रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, सोवियत संघ। आगे बढ़े हम लोग 91 में देखते हैं। देखें 91 में हमसे क्या पूछ रहा है साथियों, बहुत बढ़िया सवाल है, कथन वाले हैं, देखे हैं इसमें कोई दम नहीं है साथियों, याद रखा जो भी ज्यादा लिखा रहता है उसमें कोई दम नहीं होता है। तो देखें इसमें क्या है, कह रहा है संविधान के, भारतीय संविधान के तहत लिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके सही उत्तर दीजिए। तो देखें पहला आप जब पढ़ेंगे तो कह रहा है किसी राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन के लिए विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो यस मेरे भाई, आप लोग को मालूम होगा अनुच्छेद 3 में जो दिया है प्रावधान कि किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना, उसका सीमा परिवर्तन करना होता है, तो संसद के पास ऐसी शक्ति है, तो राष्ट्रपति से सिफारिश लेकर ऐसा किया जाता है। तो पहला तो सही है हमारा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा आप जब पढ़ेंगे तो कह रहा है ऐसा कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व उस पर संबंधित राज्य विधानमंडल की सहमति भी आवश्यक होती है। साथियों जरूरी नहीं है सहमति ले तो, लेकिन पूछ तो लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो विकल्प यहाँ पर हमारा ये कौन सा होगा, सही पूछा है तो सही हमारा केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 91 का ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर हमारा एक सही है और दो गलत है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं हम 92 में देखते हैं क्या है इसमें। साथियों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हाल ही में मलेशिया के नए राजा बच चुने गए हैं, तो बहुत बड़ा नाम है उनका, जो अभी हाल ही में मलेशिया के नए राजा चुने गए हैं, उनका नाम साथियों सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर है, तो इतना बड़ा नाम है, तो SISI नाम है ऐसे, तो SISI ऐसे करके याद करेंगे तो आ जाएगा CC, तो सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। आगे चले हम लोग 93 में, तो देखते हैं 93 में क्या कह रहा है हमसे। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में कथन दिया है, इन्हीं कथनों में से हमें पढ़कर उत्तर बताना है। तो आप जब पहला जब पढ़ेंगे तो यानी कैग की बात कर रहा है, तो कैग की, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ और राज्यों की लेखाओं संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यस मेरे भाई, प्रस्तुत किया जाता है उसके प्रतिवेदन को, जो राष्ट्रपति संसद और संबंधित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। तो साथियों ये बात सही है आधी आधी गलत है। यहाँ क्यों गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है साथियों वो केवल संसद के समक्ष रखवाता है, और विधानमंडल राज्य विधानमंडल के नहीं, राज्य विधानमंडल के समक्ष राज्य का राज्यपाल रखवाता है। तो ये गलत हो गया हमारा पहला। दूसरा जब पढ़ेंगे तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत किसी अन्य पद को ग्रहण नहीं कर सकता, ये बात सही है साथियों। कैग जो है एक बार रिटायर होने के बाद और कहीं अपना किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता, अगर ऐसा करेगा तो माना जाता है कि हाँ वो पहले अपने कार्य के दौरान भेदभाव किया रहा होगा लालच से, तो इसलिए ऐसा नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हमारा केवल दो सही होगा, विकल्प हम लोग देखें कहाँ है हमारा छुपा हुआ है विकल्प,
तो कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प केवल दो सही है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा क्या कह रहा है 94 में। तो साथियों बहुत सरल सा सवाल है ये, पवन ऊर्जा यानी विंड पावर जो होती है, ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो आप लोग देखे होंगे पवन ऊर्जा की बात कर रहा है। पवन ऊर्जा में क्या हवा चलती है, हवा एक गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, और सोलर एनर्जी में जो होती है सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, लेकिन विंड एनर्जी में ये गतिज ऊर्जा होगा। आगे चले हम लोग 95 में, देखते हैं इसमें कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। तो कह रहा है ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को फिर से सुन सकता है, अपने निर्णय पर फिर से सुनवाई कर सकता है? तो वो कौन सा है? तो 137, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 137। आगे देखें हम लोग 96 में, साथियों क्या कह रहा है? तो 96 में साथियों हमें कह रहा है कि कथनों पर विचार कर लीजिए, विचार करके सही उत्तर दे दीजिए। तो पहला जब आप पढ़ेंगे तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग संबंधित राज्यों की विधानमंडलों द्वारा परस्पर सहमति से विधि बनाकर गठित किया जाता है। साथियों गलत है, राज्यों की सहमति से नहीं किया जाता है किसी संयुक्त लोक सेवा आयोग, यानी दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जब एक ही लोक सेवा आयोग होता है तो उसे संयुक्त लोक सेवा आयोग कहते हैं। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाने के लिए संसद उसके लिए उत्तरदायी है, ये विधानमंडल मिलकर नहीं कर सकते, ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपालों का द्वारा चक्रानुक्रम में की जाती है। तो साथियों उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये राज्यपाल नहीं करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, न तो एक न ही दो, कोई भी सही नहीं। आगे चले हम लोग 97 में, देखते हैं। तो इसमें साथियों कह रहा है हमसे 97 वाले में, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी स्थगित नहीं किए जा सकते? तो ऐसा कौन सा मूल अधिकार है आपातकाल में भी स्थगित नहीं किए जा सकते, उसके बताना है। तो साथियों हम लोगों को मालूम होना चाहिए 38वां संविधान संशोधन इंदिरा जी के, इंदिरा गांधी के शासनकाल में 38वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कहा गया कि आपातकाल जब लगेगा तो आपके मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद आपातकाल लगाई, वो चुनाव हार गई, फिर जनता पार्टी सरकार में आई 44वां संविधान संशोधन के 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये चेंज किया गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है वो आपातकाल में भी लागू रहेंगे, वो सस्पेंस नहीं होंगे। तो ये चीजें हो गई हुई जो वहां पर ये, तो इसे याद रखिएगा। तो आप लोग को मालूम है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधित ये संरक्षण है, और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि का संबंध संरक्षण है। तो ये जो है हमारा जो ये हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये हो गया, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध संरक्षण हो गया, और समता का अधिकार तो नहीं होगा, ये तो इधर हो जाएगा समानता में, ये तो था है ही नहीं। तो 2-3 हो जाएगा विकल्प, जहां 2-3 होगा वही सही होगा। तो 2-3 कहाँ है, ये भी गलत हो जाएगा, जो चौथा दिया है आपका ये भी गलत है। तो 2-3 केवल सही है, ऑप्शन बी। आगे चले हम लोग 98 में, देखते हैं क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है उसी को बताना है। तो साथियों सब सही है, यहाँ पर हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देख रहे हैं ये चेन्नई में नहीं, साथियों हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये यूपी के प्रयागराज में है, PRG उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा ये, यही गलत है, यही हमारा उत्तर होगा, बाकी सब सही है, इनको पढ़ लीजिएगा आपको याद आ जाएगा, काम देगा, ये सब सही है। आगे देखें हम लोग 99 में, 99 में साथियों हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो DPSP आपको मालूम है संविधान के भाग 4 में जो है हमारा अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक DPSP दिया गया है, तो उसमें कौन सा DPSP नहीं है? तो सामान्य निःशुल्क सहायता जो दिया है ये भी जो है 39A में है, ये तो है DPSP,
पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना, ये भी बात है। राष्ट्रीय महत्व को स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का जो है यह संरक्षण करना, ये भी सही है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, तो सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखना साथियों, यह जो है हमारा, यह जो है फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। FD फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, तो उत्तर हमारा यही डी हो जाएगा। ये DPSP नहीं है बल्कि FD है, तो 99 का हमारा यही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो चलते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 100 में क्या कह रहा है हमारा, तो 100 में क्या कह रहा है, कौन से मामले उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, आरंभिक अधिकारिता को मूल अधिकारिता भी कहते हैं, क्यों, कौन से मामले उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों आप लोग जान लीजिए, आरंभिक अधिकारिता का मतलब मूल अधिकारिता है। मूल अधिकारिता में क्या होता है कि जब राज्य राज्य का झगड़ा होता है, या राज्य केंद्र का झगड़ा होता है, या कई राज्यों का आपस में झगड़ा होता है, कई राज्यों का मिलाकर केंद्र से झगड़ा होता है, तो ऐसी जो मामले को मूल अधिकारिता में लाया जाता है। और बाकी जो है यहाँ पर एक जो दिया है संविधान की व्याख्या का विवाद, ये अपीली अधिकारिता में आता है, तो याद रखिएगा। 3 जिसमें है वो नहीं होगा, तो 3 यहां बैठा, ये गलत, ये गलत, ये नहीं होगा, केवल ऑप्शन ए यानी ए और ये। भारत सरकार और किसी राज्य के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, मैंने पहले बताया, तो ये दोनों जो है रहेंगे, यही उत्तर होगा 1 और 2। 101 में साथियों क्या कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में बताना है, लोकसभा अध्यक्ष में, तो लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा अपना त्याग कर सकता है। तो साथियों ये जो कह रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति को संबोधन पर नहीं, यह जो है जो उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष होते हैं उनके संबोधन पर होता है, तो ये गलत हो गया हमारा। दूसरा कह रहा है, लोकसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे अपने पद से हटाया जाता है। तो साथियों 2/3 बहुमत नहीं, 1/3 बहुमत से हटाया जाता है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, 2 के 2 गलत हो गए 101 का। तो 101 में हमारे दोनों के दोनों कथन चल गठन हो गए, तो विकल्प इसका कहाँ है, यहाँ कह रहा है कौन सा सही है, तो साथियों कोई भी सही नहीं है, डी हो जाएगा उत्तर हमारा, न तो 1 न तो डी। दूसरा में देखते हैं हम लोग, कौन सा हड़प्पा संस्कृति के उत्तरी सीमांत का सीमा निर्धारण करता है। तो साथियों हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, ऐसा कभी आपसे पूछे तो याद रखना, आप ऐसे एक बना लेना डायग्राम। जो उत्तरी सीमा है साथियों वो मांडा है, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और जब आपसे पूर्वी सीमा पूछे तो पूर्वी जो है आलमगीरपुर होगा, यहाँ पर दिया भी है, यहाँ पर आलमगीरपुर, आलमगीर कहाँ है, हिंडन नदी किनारे उत्तर प्रदेश में मेरठ, यहाँ है। और ये जो ये है ये बलूचिस्तान में है, सूतकंडा गोर मतलब ऐसे करके नाम है उसका। और ये दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, तो सब मैंने बता दिया। तो फिलहाल इसने पूछा था उत्तरी सीमा का निर्धारण, तो मांडा ऑप्शन नंबर ए हो जाए। आगे चले हम लोग 103 पे देखते हैं क्या है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत का 84वां संदर शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है। तो कौन भारत का 84th शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है उसको बताना है हमें, तो 103 का हमारा यहाँ जो हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। तो आगे चले हम लोग, क्या है हमारा 104 में, देखें इसमें क्या दिया है हमें, कह रहा है राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, राज्यपाल के संदर्भ बताना है। तो पहला जब पढ़ेंगे तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करवाता है, वह राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यन अपना पद धारण करता है, तो यस मेरे भाई सही बात है, बिल्कुल सही, तो ये बात सही है। और राष्ट्रपति ही राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है, नहीं मेरे भाई, नियुक्त तो राष्ट्रपति करता है लेकिन पद की जो शपथ ग्रहण करवाता है हाई कोर्ट के जो होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के,
वो करवाते हैं जज, या अगर वो नहीं रहते हैं कोई सीनियर जज करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये तो गलत हो गया दो वाला, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें हम लोग 105वें में, न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में बात कर रहा है, तो कौन सा सही नहीं है। तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यस मेरे भाई बिल्कुल सही। उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, गलत। तो यानी दो नहीं रहना चाहिए विकल्प में, तो जहां जहां दो हो काट दीजिए, यहाँ दो है, यहाँ दो है, ये काट दीजिए। और उनको वेतन राज्य की संचित निधि से प्राप्त दिया जाता है, ये बात सही है। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको वेतन राज्य की यानी उसी राज्य की जो है जो रिजर्व फंड से दिया जाता है, और उनको पेंशन जो दिया जाता है वो केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है, राज्य की नहीं। तो ये चौथा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए यही सत्य है हमारा। आगे बढ़े 6वें में, इसमें साथियों कह रहा है एक तरफ तीर्थंकर दिया है और दूसरी तरफ निर्वाण स्थल दिया है, किस तीर्थंकर का निर्वाण स्थल किसे संबंधित है और जो सुमेलित नहीं है उसी को बताना है जो गलत है। तो साथियों ऋषभनाथ जो है उनका निर्वाण स्थल जो है अष्टपाद में है, तो अष्टपाद है, तो ऑप्शन ए तो सही हो गया लेकिन हमसे गलत पूछा है। वसुपूज्य दिया है सम्यक पर्वत, तो वसुपूज्य साथियों यहाँ पर जो है वसुपूज्य कौन है, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर हैं, ये 12वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, और इनका जो है निर्वाण स्थल चंपापुरी में हुआ था, सम्पेक पर्वत पर नहीं, यह चंपापुरी में हुआ था। तो चंपापुरी में हुआ था, और सम्यक शिखर पर किसका हुआ था साथियों, सम्यक शिखर पर किसी का हुआ रहा होगा इसे आपको बहकाने के लिए दे दिया। तो 23वें तीर्थंकर आप लोगों को मालूम होंगे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर है जैन धर्म के उनका हुआ था सम्यक शिखर पर। तो यहाँ पर बी वाला हमारा गलत था, तो बी वाला हमारा उत्तर होगा, बाकी सब सही हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखें हम लोग 107 में, 107 में साथियों कह रहा है संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंधित है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो साथियों आपको मिलेगा, पहले ये हमारा मौलिक अधिकार में था, फिर बाद में इसे जो है 44वां संविधान संशोधन माध्यम से इसे जो है एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300 क यानी 300A में ये कहा गया है कि आपको संपत्ति से जो है मनमानी तरीके से बेदखल नहीं किया जाएगा एवं विधि के अथॉरिटी में किया जाएगा, व्यक्तियों का संपत्ति से वंचित केवल एक प्रोसेस से किया जाएगा, मनमानी नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर सही। 108 में पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं, तो साथियों पादप कोशिका का रसोई घर हम लोग किसे कहते हैं, हरित लवक को, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, सबको मालूम है, सिंपल सा प्रश्न है ये। आगे देखते हैं हम 109 में, लाइकेन से संबंधित सवाल है ये, बहुत बेहतरीन सवाल होते हैं, कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। तो लाइकेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है उसे बताना है, पहला पढ़ लीजिए, दूसरा पढ़ लीजिए और सही बता दीजिए। लाइकेन वायु प्रदूषक के संकेतक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, सही बात, लाइकेन वहां पर नहीं उगते हैं जहां पर वायु प्रदूषण होता है, खास करके सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, तो ये बात सही है। लाइकेन अध्ययन को लाइकोनोलॉजी कहते हैं, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए दोनों के दोनों सत्य हैं हमारे। आगे बढ़े हम लोग 110 में, तो देखें 110 में निम्नलिखित कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी ये जो चार ये जो दिए हैं संस्थान मंदिर दिए हैं, तो इनको जो है बताना है सबसे पहले कौन बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना। तो साथियों यहाँ सप्त पैगोडा जो है वो सबसे पहले होगा, यहाँ पर चौथा सबसे पहले होना चाहिए और एक ही में है चौथा सबसे पहले यहाँ पर, तो एक ही जानकारी से हमें मिल गई, यही हमारा उत्तर होगा। इसके बाद तीसरा महाबलीपुरम, उसके बाद पहला, अंत में गंगे कोंडचोलपुरम मंदिर, दो वाला। आगे चले हम लोग 11 में, देखते हैं क्या है। तो साथियों 11 में हमारा कह रहा है
एक तरफ फल दिया है, दूसरी तरफ उसका खाने वाला भाग दिया है, किस फल का हम कौन सा भाग खाते हैं और जो गलत है उसी को पकड़िए आप। तो सेब का हम लोग पुष्पासन खाते हैं, नारियल का भ्रूपोष खाते हैं, लीची का एरिल खाते हैं, पपीता का मध्य फल भित्ति खाते हैं, बा फल भित्ति नहीं मध्य, तो यही गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखें हम लोग 12 में साथियों, इसमें कह रहा है कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो जो गलत है उसे पकड़ना है। दीवान ए मुश्त खराज अलाउद्दीन ने बनाया था, ये सही बात है। दीवान ए अमीर कोही, ये एक कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT ने बनाया था इसे। दीवान ए खैरात, फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनाया था। दीवान ए रियासत, तो साथियों ये एक तरह का जो है वाणिज्य विभाग था, जो बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन ने ही बनाया था। आगे चले हम लोग, यही डी हमारा उत्तर होगा, यही गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? बलबन नहीं बल्कि अलाउद्दीन ने बनाया था दीवान ए रियासत, जो वाणिज्य विभाग था। देखें हम लोग, हम यहाँ पर 13वें में कह रहा है उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व शामिल है, तो साथियों आप लोगों को मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व का विस्तार जो है लखीमपुर खीरी जिला और बहराइच जिला। तो लखीमपुर खीरी और बहराइच, ये दोनों जिले मिलाकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व शामिल है। तो इसमें कह रहा है दुधवा टाइगर रिजर्व में कौन कौन से शामिल हैं यहाँ पर, तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, किशनपुर वन जू बिहार है, कतरनिया वन जू बिहार है, तो कैमूर नहीं है, तो तीन नहीं रहना चाहिए, तीन इसमें है इसको काटिए, तीन इसमें है इसको काटिए, तीन इसमें है इसको काटिए, ऑप्शन बी उत्तर होगा। बहुत बढ़िया, आगे चले 14 में, तो इसमें कह रहा है पंछी वर्ग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो पंछी वर्ग मालूम है इनका हृदय तीन रेशमी नहीं बल्कि चार कोष्ठी होता है, चार हो जाएगा, और यह जो है समतापी होते हैं, हर एक मौसम को मतलब अच्छे से सहन कर लेते हैं, और इनका मूत्राशय का अभाव पाया जाता है इसमें, तो इस ये दो वाला सही है, तो विकल्प दो हमारा सही है, एक गलत है। 14 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें 15 में, देखते हैं क्या है हमारा। देखें 15 में बढ़िया सवाल है, आसान सा, एक तरफ स्मारक दे दिया है और दूसरी तरफ सूची दिया है, यानी जो उसके निर्माता हैं स्मारक, तो दोनों सूची को मिलाइए। अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी से संबंधित है, ये वाला सही है, और ये कदम रसूल ये नुसरत शाह से संबंधित है साथियों, ये इनसे संबंधित है, और अदीना मस्जिद जो पांडुआ है तो ये कहाँ से होगा साथियों, सिकंदर शाह से संबंधित है ये, और बाकी एक बचा है छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद से हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो विकल्प बनेगा, तो आप लोग उसे विकल्प रख लीजिएगा, ए वाला 2 पर, बी वाला 4 पर, तो देखते हैं कहाँ है, ए वाला 2 पर, बी वाला 4 पर, तो यानी ये बी पर आएगा, ये है वाला। आगे देखते हैं 16 में, मानव में लाल रक्त कणों यानी RBC रेड ब्लड सेल्स के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आप लोगों को मालूम होगा रेड ब्लड सेल्स अगर आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, तो सामान्यतः इसमें केंद्रक जो है नहीं पाया जाता है रेड ब्लड सेल्स में, सही बात है, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ये भी बात सही है, और प्लीहा को लाल रक्त कणों की कब्रगाह कहा जाता है, सही बात है ये भी, और इनका जीवन काल कह रहा है 3 से 5 दिन नहीं मेरे भाई, 120 दिन होता है, लगभग 2 महीना इनका जीवन काल इतना होता है, तो ये गलत दे दिया, डी वाला हमारा गलत हो जाएगा, और बाकी ये तीनों सत्य हैं, तो गलत पूछा हमने, गलत बता दिया। देखें 117 में कह रहा है वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार, 2022 में रिपोर्ट आई थी और 2020 का डाटा था उसमें, तो कह रहा है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरों क्षेत्रों में निवास था, तो मेरे भाई वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट 2022 जो आई थी 2022 में, ये किसने कौन सी संस्था थी, यूएन हैबिटेट नाम की एक संस्था थी जिन्होंने रिपोर्ट निकाली वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट 2022, और वो 2020 का उसमें डाटा था, तो 2020 के डाटा में
कितना प्रतिशत शहरों में निवास कर रही थी, तो 56% लगभग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 में क्या कह रहा है साथियों, 18 में कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में सर्वाधिक है। तो किस देश में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक, वैसे हम लोग कहते हैं जापान में है, लेकिन जापान में ओवरऑल माना जाता है, तो यहाँ सबसे ज्यादा हांगकांग में होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ दिया है हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन होता है तो लीवर में होता है, ऑप्शन नंबर डी यकृत से। 120 में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है। उत्सर्जी अंग साथियों, जैसे हम लोग चमड़ी हो गया, फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, तो चाहे ये सब जो होते हैं हमारे उत्सर्जी अंग है, तो यहाँ पर सेरिब्रम एक एक ब्रेन का हिस्सा है, यह जो है उत्सर्जी अंग नहीं है, ऑप्शन डी सत्य है। 121 में साथियों कौन सा सही सुमेलित है, जो सही सुमेलित है उसको बताइए। तो साथियों यहाँ बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में, किस भाषा में, तुर्की भाषा में, तो ये बात सत्य है, ऑप्शन नंबर ए सत्य है, पहले ही हमें मालूम चल गया, तुजुक ए बाबरी या इसी को हम बाबर नामा भी कहते हैं, तो ये बात हमारा यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। अब ये बात जब सत्य निकल गई, बाकी सब तीनों गलत हैं, हम लोग बच के निकल सकते हैं, लेकिन अब हमें ये बताना है कि ये गलत क्यों है। हुमायूं साथियों, जो हुमायूं नामा जो लिखा गया है, हुमायूं नहीं बल्कि इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है, गुलबदन बेगम ने, तो याद रखिएगा इसे। और शेरशाह ये जो कह रहा है तारीख शेरशाही, शेरशाह ने लिखा है, तो साथियों ये शेरशाह नहीं लिखा है, अब्बास खान शेरवानी ने लिखा है, ए शेरवानी, ये मतलब अब्बास खान शेरवानी ये लिखा है। और अकबर को कह रहा है तबकात ए अकबरी, अकबर ने लिखा है, तो साथियों नहीं, यह तबकात ए अकबरी जो है फारसी भाषा में लिखा गया है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया। तो चले हम लोग अगला देखते हैं 22 में, कह रहा है आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसको पुस्तक के लेखक कह रहा है साथियों, तो एक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हुए थे रघुराम राजन, वो बहुत चर्चा में रहे थे अभी, तो उन्हीं ने यह पुस्तक लिखा है, तो कहाँ गए वो, अगले पेज पर है लगता है। तो यहाँ पर हम सी रघुराम राजन। आगे देखते हैं हम लोग 23 में, निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी का स्रोत है। मानव पूंजी का स्रोत क्या है साथियों, मानव पूंजी यानी मानव को पूंजी की तरह बनाने के लिए क्या क्या स्रोत हैं साथियों। मानव जब अच्छा शिक्षित रहेगा तो अच्छे से कमा सकेगा, पूंजी ला सकेगा, पूंजी बना सकेगा, मानव पूंजी होता है वही, और स्वस्थ रहना चाहिए मानव को, और उसके अंदर स्किल होनी चाहिए, यानी ये सब तीनों जो हैं एक मानव पूंजी के स्रोत हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, ये सब मानव पूंजी के स्रोत होते हैं, बिना इसके जो है मानव एक जानवर की तरह हो जाएगा। 24 में देखते हैं क्या है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा गलत है उसे बताना है हमें। तो साथियों यहाँ पर देख रहे हैं, एक विंध्याचल मिर्जापुर में है, देवासरी बाराबंकी में, हस्तिनापुर मेरठ में, सब सही है, श्रृंगवेश्वर श्रृंगवेरपुर, ये फैजाबाद करा है, फैजाबाद नहीं साथियों, यह इलाहाबाद में है, प्रयागराज में। तो 24वें का हमारा उत्तर प्रयागराज हो जाएगा, श्रृंगवेरपुर पहाड़ी। आगे देखते हैं हम लोग 125 का, तो 125 का मैचिंग वाले सवाल है, हम लोग मिला लेते हैं अच्छे से। तो इसमें साथियों देखते हैं क्या कह रहा है, एक तरफ संस्थान और दूसरी तरफ स्थान दिया है, कौन सा संस्थान किस स्थान पर है उसको दिया है, तो मिलाइए फटाफट। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, और राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में। तो ए दो बी एक और सी 4, तो डी हो जाएगा,
हमारा ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा। आगे चले हम लोग 26 में, देखते हैं क्या है 26 में। साथियों हमसे ये पूछ रहा है, देश में वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किन स्तंभों पर आधारित है? तो देश में जो वित्तीय समावेशन का मतलब साथियों जानते हो, हर व्यक्ति का खाता होना चाहिए, हर व्यक्ति खाते से लेन देन होना चाहिए, खाते से जुड़ा होना चाहिए, ये सब एक वित्तीय समावेशन का स्तंभ होते हैं। तो आप लोग को मालूम होगा, बैंकिंग सेवाओं से वंचित व्यक्तियों को सुविधाएं मुहैया कराना। जी बिल्कुल सही बात है, ये सही है हमारा। और ये दूसरा का है, असुरक्षित को सुरक्षा करना, वंचित से वंचितों का वित्त पोषण करना, ये भी सही है। विश्व स्तरीय का बैंक बनाना, तो ये एक वित्तीय समावेशन का हिस्सा यहाँ पर ये नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारा सही है, 1, 2, 3 हो जाएगा। तो चले हम लोग आगे देखते हैं क्या है 27 में क्या है। तो साथियों यहाँ 26 के बाद 27 नहीं, ये 37 आ गया है, 10 छूट गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या करा है। करा है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है हमें, तो क्या करा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार टेनिस खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर सेट्ठी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को प्रदान किया गया। तो साथियों ये बात सच है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दो लोगों को दिया गया, एक चिराग चंद्रशेखर को दिया गया, चिराग चंद्रशेखर को दिया गया है सेठी, और दूसरा सात्विक साईराज रेके मतलब रैकी रेंडी को दिया गया। तो यहाँ पर गलत ये है साथियों, ये लोग जो है ये टेनिस खिलाड़ी नहीं है, हालांकि थोड़ा सा अंतर होता है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो बैडमिंटन टेनिस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो ये लोग बैडमिंटन है, बैडमिंटन खिलाड़ी, तो ये सही है। और मोहम्मद शमी एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्हें इस बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया, ये बात सही है। तो मोहम्मद शमी मतलब दिया गया तो बहुत लोगों का, कई सारे लोगों का, लेकिन क्रिकेटर उसमें मात्र मोहम्मद शमी ही है। तो आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर कौन हुआ हमारा, ये तो गलत हो गया, 2 सही है, केवल बी हो जाएगा। 38 हमारा क्या है, सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। तो सही बात है हमारी भाई, मूल्य बढ़ेगा, व्यापारी ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा में ज्यादा बेचेंगे, तो उनके लिए मूल्य बढ़ोतरी अच्छा ही होता है। मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहकों को अपनी आवश्यकता में कटौती करनी पड़ती है, यस मेरे भाई बहुत सही बात है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों बातें सही हैं, लेकिन एक दूसरे से इनका लिंकेज कोई नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, 38 का बी हो जाएगा हमारा। तो चलते हैं हम लोग अब आगे देखते हैं 39। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह कौन है? अरुणाचल प्रदेश, इसमें बहुत सघन वन पाए जाते हैं, लगभग 21,000 जो है स्क्वायर की 21,000 वन 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 40 में, 40 में क्या है साथियों, कह रहा है किस एक का मुख्यालय सही नहीं है? तो यूएनओ का मुख्यालय साथियों न्यूयॉर्क है, सही बात है। WTO का जेनेवा है, तो यहाँ पर दे दिया है रोम, तो यहाँ जेनेवा होना चाहिए, तो ये यही हमारा गलत था, यही हमने बता दिया, यही गलत है। और ILO इंडियन और जो है ILO यहाँ पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, तो ये भी सही है जिनेवा में। FAO ये भी रोम में है, तो यहाँ पर केवल बी हमारा गलत था, बाकी सब सही है, उसका मुख्यालय। 41 में यहाँ पर क्या कह रहा है हमें, यहाँ पर फैक्चुअल सवाल है, यहाँ पर मिलाने वाला देखते हैं हम लोग। एक तरफ हमें दे दिया है योजना और दूसरी तरफ दिया है प्रारंभ वर्ष, कौन सी योजना कब प्रारंभ की गई थी उसके बारे में है। तो यहाँ पर जवाहर रोजगार योजना साथियों 89 में आया था, ये आया था, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में आया था।
तो ये 2005 में आया था। तो देखें हमारा दो से काम बना, ए दो पर आना चाहिए, डी तीन पर, ए दो पर डी तीन पर। ऐसा दो जगह है केवल, केवल यहाँ है और यहाँ है, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसके बाद हमें एक जगह से मालूम है, यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 95 में आया था, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नहीं थी कि उनकी, शायद उन्हीं की थी। तो ये 95 में आया था ये यहाँ पर, तो बी वाला एक पर होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ये ए हो जाएगा उत्तर। आगे देखते हैं 42 में, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार पार करती है। तो साथियों हमें मालूम है भारत की एक माही नदी है, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और जो राजस्थान गुजरात जा होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। 43 में इसमें साथियों कह रहा है, एक तरफ हमें जैव मंडल दे दिया है, जैव मंडल रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व है, और दूसरी तरफ अवस्थिति है, लोकेशन उसका बताना है। तो नोकरेक जो है साथियों ये मेघालय में है, मानस असम में है, और अगस्त समलाई केरल में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। तो मिला दीजिए एक तीन पर, दो दो पर, तो कहाँ है, और सी चार पे। तो इस हिसाब से हमारा ये हो जाएगा बी, उत्तर बी हो जाएगा। आगे चले हम लोग 44 में देखते हैं। तो 44 में साथियों हमें क्या कह रहा है, यहाँ एक तरफ योजना दिया है और दूसरी तरफ उसका उद्देश्य दिया है। तो उदय योजना जो आई थी साथियों, यह विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण करने के लिए आई थी, तो ये चौथे पर चला आएगा। अस्वच्छ भारत मिशन मालूम है सार्वभौमिक स्वच्छता के लिए थी, सीधी बात, तो डी एक पर और ए चार पर। तो डी एक पर होना चाहिए, ए चार पर, तो ऐसा केवल डी में है, तो विकल्प हमारा डी हो जाएगा उत्तर। उत्तर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 45 में। 45 में साथियों हमसे कह रहा है कि 2023 में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था। तो गरीबी को खत्म करने के लिए जो एक विषय था साथियों, वो था सभी के लिए समान व्यवहार में लाना। तो समुचित कार्य एवं सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए समान व्यवहार में लाना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 45 का हमारा। बहुत बढ़िया, तो आगे चले हम लोग अब 46 में क्या है हमारा। तो साथियों गला सूख गया है एकदम हमारा, बोला नहीं जा रहा है, जल्दी से खत्म करें। तो कह रहा है कि एक तरफ कारण दिया है, दूसरे एक कथन है, दूसरा कारण, पढ़कर सही उत्तर दीजिए। तो पहला पढ़ेंगे तो कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। मेरे भाई गलत बात है, पारिस्थितिकी तंत्र में जो विविध अवयव हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ये गलत हो गया। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये बात सही है, और जबकि ये गलत है। मानव जो भी क्रिया करता है उससे वातावरण प्रभावित होता है, इंडस्ट्री लगा रहा है, गाड़ी मोटर चला रहा है, पेड़ पौधों को काट रहा है, तो इससे प्रभावित हो ही रहा है अपना वातावरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ए गलत आर सही। तो विकल्प कहाँ है हमारा, तो विकल्प हमारा ये डी हो जाएगा सही। 147 में, 2022 में वाणिज्यिक सेवाओं के व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है। तो साथियों चाइना की व्यापार सबसे ज्यादा है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें 48 में, नई विदेश नीति 2023 के तहत निम्नलिखित में से कौन निर्यात के लिए उत्कृष्ट शहर नहीं है। तो कन्नौज, ऑप्शन नंबर डी। 49 में साथियों, कार्डामम की पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर मिलती हैं वो हैं, कार्डामम की पहाड़ियों पर साथियों इलायची खेती होती है, आप लोग जानते हैं, बहुत फेमस है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। तो 49 का हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर अवस्थित है। 50 का हो जाएगा साथियों, एक तरफ देखें हमारा बढ़िया सवाल है जनजातियों से संबंधित, तो एक तरफ यहाँ पर हमें दे दिया है जनजातियां और दूसरी तरफ उसका अवस्थिति यानी लोकेशन। तो जारवा जो जनजाति है साथियों अंडमान निकोबार में है, कुकी जो है मणिपुर में, आप लोग जानते हैं कुकी और मैतेई के बीच मणिपुर में जो दंगा चल रहा है, और थारू उत्तर प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश। तो हमारा उत्तर यहाँ क्या होगा, A4 B3, तो यानी बी हो जाएगा हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों हम लोगों ने देख लिया बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारी आज ये घटना चक्की चौथी प्रैक्टिस सेट जो अधूरी रह गई थी, पार्ट टू में हमने इसको शामिल कर लिया, तो सारी कंप्लीट हो गया आज का हमारा ये 150 प्रश्न, 150 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज। तो हम लोग मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।